हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह आई है ईवा और इतनी प्यारी मैगी। तो हम तीनों जने बैठ के बातें कर रहे हैं और ईवा ने और मैंने तो सेम कपड़े पहने हैं। तो अभी हो चुका है घर का लगभग काम, तो अभी हम नहाने के लिए जा रही हूँ। मैं रेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ और थोड़ी देर ईवा और मैगी के साथ मस्ती करेंगे। ये हाँ, पैरट बोल रहे हैं। तू बोल दे। हाँ, पैरट किसे बोलता है? पहली बार बोली। तू भी आजा पास में। वाव वाव बोल दे। वाव इबू के कितने हेयर कट हुए बताओ? कितने हुए? 1 2 3 कितने हुए थे? 3 हेयर कट हुए इबू के। यूं बोल रही है 3 3 yeah। मैं हो गई हूँ रेडी और मुझे आ रहे हैं यहाँ पर पिंपल, 1 2 3 शायद तक 3 है, छोटे छोटे एकदम, पर निकल तो गए अपने आप। पर चलो कोई बात नहीं, अपने पास तो मिशेल है, कहाँ रहने वाला है दाग, निकल ही जाएगा तो चलेगा। इतना तो दाग अच्छे है कभी कभी। अभी बना रही हूँ खाना बना के फिर आप लोगों से। अभी मेरा खाना बन गया और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, यानी पसीने से आप मेरा हाल दे सकते हो। और मेरी बिंदी तो कहाँ चली गई वो भी नहीं पता। और खाने में मैं अभी खा रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, टिंडूरी की सब्ज़ी, रोटी ब्रैन वाली और थोड़े से चिप्स लिए। मेरे को केला चिप्स खाने के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसलिए। और ये रहे चिकू, जो कि पटर 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 बोलते ही रहते हैं मिट्टू की तरह। अभी जा रही हुई है शॉप पे और ये सुरेश भी है यहाँ पे, कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? सांप मार रहे। सच में सांप है? कल परसों देखा था। वो कहाँ पे? वो कुरेश की गाड़ी नहीं? हाँ, गाड़ी के सामने कुरेश। वहाँ तो रहता है, बिल है उधर साइड। देखा बिल? कभी दिखा क्या? अभी देखा क्या? कल देखा। अभी क्या देखा? ढूंढ रही हूँ, बताओ मेरे को। हाँ, अभी साड़ियाँ आ गई हैं, सारी जो भी मैंने ऑर्डर की थी लगभग सारी आ गई। क्या नहीं, 6 साड़ीज आ गई हैं। देखेंगे चलो अब कैसी आई है, फिर मैं आपको बताऊंगी एक साड़ियाँ कैसी आई है। और अभी एक एक मैं ओपन करूंगी। और आज मैं आई थी शॉप करो पर लाइव। अगर आपको शॉप करो को आपने अगर फॉलो नहीं कर रखा है तो कर दो, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी अब आपके पास ऑफर्स आने वाले हैं, तो आप वहाँ से परचेजिंग कर सकते हो। अब आती है यानी हमारी सबसे नंबर 1 साड़ी की बारी। और मैं पहले से बोल देती हूँ, मैंने ये सारी साड़ियाँ जो भी अनबॉक्स करी, अगर मुझे नहीं पसंद आई तो मैं ये रिटर्न करने वाली हूँ। आपके सामने ही मेरा जो भी रिएक्शन होगा वो आपके सामने होगा। ये इसका ब्लाउज है और ये साड़ी मुझे ओके लगी है। कंफ्यूज हो इसको लेकर, अच्छी भी लग रही है और ठीक ठाक लग रही है। चलो इसकी बारी हुई कंप्लीट, आते हैं अब नेक्स्ट साड़ी पर। टाइगर प्रिंट की साड़ी आ गई है हमारी। ये साड़ी तो बहुत अच्छी है, कपड़ा भी शानदार है। इसका ब्लाउज एकदम प्लेन ब्लैक ब्लाउज है इसका। अच्छी है ये वाली, मैं रिटर्न नहीं करने वाली। ये साड़ी तो मैं खोलूंगी नहीं क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आई। क्या? फोटो में कुछ और दिख रही थी, अभी कुछ और दिख रही है। खोल के देख तो ले। देख लेंगे। ये सब कब ऑर्डर की थी मुझे पता भी नहीं। हाँ,
इस साड़ी को पूरा खोल के देखूंगी तो पता चलेगा। अभी तक तो ठीक ठाक लग रही है, इतनी कोई खास नहीं लग रही। चार साड़ी ओपन की उसमें एक ही समझ में आई है। हर कुछ मंगाया है ना, क्योंकि तुमने अन्न तो देखा ही नहीं कुछ। ये भी है पूरी ब्लैक साड़ी, ओनली फिर इसका पल्ला ही ग्रे और स्काई ब्लू कलर का है। इसको भी पूरा ओपन करूंगी तो, बाकी साड़ी पूरी प्लेन ब्लैक है, इसका पल्ला ही है ग्रे और ब्लू कलर का। ब्लैक कलर की साड़ियाँ ही बोल रहा है। इस साड़ी का भी फैब्रिक अच्छा नहीं है। नहीं तो फिर रिटर्न मारेंगे और क्या। अभी तक सिर्फ एक ही साड़ी अच्छी लगी। नहीं मैं ऐसे कलर्स का ब्लू कलर पहनती हूँ, पर ये कलर कभी पहनती हूँ क्या, अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास वाव वाव के ऑनियन सीरीज में शैम्पू कंडीशनर 30 ml से लगाकर 500 ml तक पूरी कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है। ये आपको शॉप करो की प्रॉपर वेबसाइट पर भी मिल जाएगी और ये हमारे शॉप करो के आउटलेट पर भी अवेलेबल है। आप चाहो तो शॉप करो की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, हमारा ऐप भी है और शॉप करो का आउटलेट भी है। आप देख सकते हो ये हमारा लोगो है और आपको शॉप करो पर टाइम से अच्छे अच्छे एक्साइटिंग ऑफर मिलते रहेंगे, इसलिए विजिट करते रहिए। हमारे पास उपटन की पूरी सीरीज अवेलेबल है, अगर आपको ये परचेज करनी हो तो ये शॉप करो हमारी एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है और ये हमारी शॉप के आउटलेट पर भी अवेलेबल है, यानी शॉप करो का ही आउटलेट है, यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर आपको परचेज करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर आप शॉप करो के आउटलेट से कोई भी वाव के प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे एक्साइटिंग ऑफर मिलेंगे। अभी खाना खाने में बैठी हूँ, पूड़ी बनाई है और प्याज बेसन वाली प्याज बनाई है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो मैं खाना वगैरह फिनिश करके आपको मैं मिलती हूँ। मेरी हालत देख लो क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बारिश भी नहीं आ रही है। अब हो गया है मेरा बेड टाइम, यानी गैस 11 बज गई है, तो अब मैं सो जाती हूँ। सब काम कर दिए हैं, निपट गई हूँ, थक गई हूँ, तो अब सो जाती हूँ। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। बाय।